ऑस्ट्रेलिया को लगातार दो विश्व कप जिताने वाले रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी एक लीडर के रूप में जो कर सकते थे वो मैं नहीं कर सकता। धोनी तीनों आईसीसी ट्रॉफी 2007 में टी20 विश्व कप, 2011 में वनडे विश्व कप और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाले दुनिया के इकलौते कप्तान है। पूर्व भारतीय कप्तान ने 15 अगस्त की शाम अचानक सोशल मीडिया के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। धोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, अब तक आपके प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद। शाम 7:29 से मुझे रिटायर। दरअसल धोनी के वीडियो में बैकग्राउंड में किशोर कुमार का गाना पल दो पल का शायर हूँ चल रहा था। रिकी पॉन्टिंग ने एक बातचीत के दौरान कहा, वो अपनी भावनाओं को कभी प्रकट नहीं होने देते, ये अच्छे कप्तान की निशानी है। जब मैं कप्तान था तो मैंने भी ऐसा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे सफल कप्तान रहे। उन्होंने आगे कहा, जब वो कप्तान थे तो हमेशा लगता था कि टीम ऊपर उठ रही है, वो खिलाड़ियों से बेहतर करवाना जानते थे, यही वजह है कि उनके टीममेट उन्हें प्यार करते हैं। पॉन्टिंग ने कहा, मैंने बहुत समय भारत में बिताया है, इसलिए मैं जानता हूं कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैं। जब आप दुनिया में जाते हैं तब भी फैंस आपको धोनी की बात करते दिखाई देते हैं। धोनी के अंदर कठिन परिस्थितियों में शांत बने रहने का गुण है। धोनी ने अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग को अब तक 3 आईपीएल खिताब जिताए हैं। वहीं आईपीएल 2020 में रिकी पॉन्टिंग दिल्ली कैपिटल्स के प्रमुख कोच है। आईपीएल का 13वां सीजन 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच यूएई में खेला जाएगा। आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजी यूएई पहुंच चुकी है और फिलहाल क्वारंटाइन में है। पॉन्टिंग ने कहा, चेन्नई सुपर किंग टूर्नामेंट की सबसे कंसिस्टेंट टीम है, धोनी का नेतृत्व शानदार है, मैं अब उनके खिलाफ कोचिंग करने के लिए उत्सुक हूं और ये सुनिश्चित कर रहा हूं कि जब चेन्नई दिल्ली के खिलाफ खेलेगी तो अपनी बल्लेबाजी से कोई मैच हमसे नहीं जीत पाएगी। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।